फिर एक घर में चोरी. चोर ने घर वालों को बेहोश करके सारा घर लूट लिया. लगता है आजकल सिक्योरिटी बहुत वीक हो गई है, है? अगर ये चोर हमारे घर आ गया तो. रुक्मिणी, 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 ये देखो, रुक्मिणी, रुक्मिणी देखो इसमें. Excuse me please. Yeah sure. अरे, अरे इस घर में मेरी कोई वैल्यू है या नहीं? है लेकिन किचन से बाहर, वरना बाप और बेटे दोनों ही भूखे रह जाओगे. देखो रुक्मिणी, अगर मेरी बात नहीं सुनोगी तो हम सब लोग फुटपाथ पे आ जाएंगे. अच्छा होगा. अरे इस घर गृहस्थ के झंझट से मुझे छुटकारा तो मिल जाएगा. अच्छा तो ठीक है, ठीक है. दरवाजा खोल के रखना, अलमारी खोल के रखना, करने को चोर कहना, आएंगे चोर सजना. हाँ, अरे ये देखो आजकल बहुत चोरियां हो रही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि कोई वॉचमैन रख लेते हैं. क्यों प्रश्न, क्यों बेकार में खर्च बढ़ा रहे हो? राम सिंह घर की देखभाल करने के लिए काफी है. राम सिंह? हाँ. अरे जब तक राम सिंह किचन से जाकर बाहर आएगा तब तक चोर गहनों के साथ साथ हम लोगों को भी चोरी करके ले जाएगा. तुम्हें भले ही राम सिंह पर भरोसा ना हो लेकिन मुझे तो भरोसा है. हाँ, मायके का माल जो है यही समझ लो. ठीक है, ठीक है, तुम राम सिंह पर भरोसा रखो, मैं तो वॉचमैन रखूंगा और जरूर रखूंगा. कौन है आप? रंगीलो. ना शक्ल से जैकी श्रॉफ लगता है, ना अकल से आमिर खान, और खुद को रंगीला बोलता है. दिखता नहीं है इतना रंग बिरंगी कपड़े पहना है. कपड़े के हिसाब से नाम रखते हो या नाम के हिसाब से कपड़े पहनते हो? अरे हमारे बाप का नाम था इंद्रधनुष, वो सात रंग का कपड़ा पहनता था. फिर तो तुम्हारे दादा का नाम कलरफुल होगा. हमारे दादा का नाम इंस्ट्रूमेंट था. क्या इंस्ट्रूमेंट? अगर झूठ लगता है तो जाके पूछ लो. कहाँ? ऊपर जाएगा, ऊपर. अंदर किधर जाता है? हाँ, किससे काम है? अरे हमारे प्रशांत साहब से काम है. साहब जी से? हाँ. क्या काम है? तो तुमको काहे को बताया, हमको तो तुम नौकर आदमी लगते है. लगता नहीं, नौकर हूँ. जिंदगी भर नौकर रहेगा. मेहमानों से कैसे बात कर देगा, कुछ आता नहीं है. हाँ? अरे साहब जी के साथ हमारा अपॉइंटमेंट है, बिजनेस का बात करने का है. बिजनेस का? हाँ. अरे तो पहले बोलना चाहिए था. आइए आइए बैठिए. आता है, आता है, तुम चलो आगे चलो. मैं साहब जी को बुला, साहब जी को बुला के लेके आओ. साहब जी. साहब जी, आपसे कोई मिलने आया है. कौन है? कोई बिजनेस की बात करना चाहता है. अच्छा? मुझे तो बहुत काम का आदमी लगता है. अबे काम के आदमियों से ही काम के आदमी मिलने आते हैं. कुछ समझा? नहीं समझे क्या भाई? नहीं, तू नौकर है ना इसलिए. अरे हाँ. नमस्ते जी. नमस्ते जी. नमस्ते. साहब बैठे बैठे बैठे. कहिए आपका क्या नाम, क्या है? रंगीला. नहीं नाम नाम. साहब जी इनका नाम ही रंगीला है. अरे आए तो कपड़े से ही पता चलता है. कहिए आप क्या लेंगे? है फ्लैट, बंगला या तो प्लॉट, क्या लेंगे आप? साय चलेगा. साय 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 साय. ओ चाय. आई एम सॉरी, मैं आपको चाय पूछने ही भूल गया. राम सिंह फटाफट जाके एक बढ़िया चाय लेके आ जा. देखो साय के अंदर मलाई मार के लेके आना. क्या है वॉचमैन का तबियत जब तक ठीक नहीं होगा ना, वो घोर का रखवाली कैसे करेगा? किसका तबियत? वॉचमैन. तो तुम वॉचमैन हो? वॉचमैन. तुम वॉचमैन हो? वॉचमैन. ओह नो. बेटा क्यों खड़ा रहा, सबको सलाम कर. अबे तू तो कह रहा था कोई बिजनेसमैन आया है. वो तो इसने कहा था मुझे बिजनेस की बात करनी है. नहीं बात क्या है साहब, ये आदमी हमको आपसे मिलने नहीं दे रहा था, है? तो इसलिए हमें झूठी बोलता है. लेकिन हमारा खानदान के अंदर कोई झूठ नहीं बोलता है, लेकिन जब जरूरत पड़ता है तो हम झूठ बोलता है. झूठ बोलता है? ठीक है ठीक है. अच्छा ये बता अभी तक कहाँ कहाँ काम किया है? साहब ऐसा पूछो कि हमने किधर किधर काम नहीं किया है. किधर किधर काम नहीं किया है? आपका घर में नहीं किया है. घर नहीं, घर. घर? अच्छा, हमारे लिए घर है, आपके लिए घर है. घर घर घर. हमारे साहब अंदर से घूम के आता है. अच्छा जो घर. अच्छा अच्छा साहब, ये आपको टोपी पहना रहा है. देखो साहब हमको बहुत तकलीफ होता है,
क्या बहुत तकलीफ होता है आपका, इस घर के अंदर वैल्यू नहीं है साहब। क्या क्या है, दो बड़ा आदमी बात करता हो, एक छोटा आदमी को बीच में नहीं बोलना चाहिए। अरे ये छोटा नहीं है, सबसे बड़ा आदमी है ये। अरे साहब नौकर आदमी है। अरे हाँ ये तो मैं भूल ही गया। हाँ, नौकर हमेशा छोटा होता है। नौकर नौकर आदमी ये। नौकर किसको बोला? बड़ा बड़ा करके देखने का नहीं है साले, क्या हूँ मलाई मार के और तुम्हारे नारा अंदर करो, जाओ चला। साहेब। हाँ साहेब। देखता हूँ बाद में, देखता हूँ इसको साहेब पिला तो साहेब। गर्म हो गया साहब। गर्म हो गया साहब। मेरा नौकरी पका 24 घंटा काम करेगा। ठीक है साहब, लेकिन लंच टाइम में हमको एक घंटा छुट्टी मांगता है। क्यों? वो एक घंटे के अंदर हम स्ट्रगल करने के लिए जाएगा। कैसी स्ट्रगल? वो क्या है साहब, हम नेपाल से हीरो बनने के लिए आया है ना। तुम हीरो बनोगे? हाँ साहब, क्या है हमारे नेपाल के डैनी है ना, डैनी वो विलन बन गया, हमारे बाप के साथ गोटी खेलता था। मनीषा कोयराला हीरोइन बन गया, वो हमारे बड़ा भाई के साथ गोटी खेलता था। एक हीरो का कमी था जो अभी इधर आ गया। ठीक किया ना साहब? बिल्कुल बिल्कुल ठीक किया। लेकिन साहब क्या है कि हमारे पिक्चर हिट हो जाएगा ना तो हम इंटरवल में बोलेगा। इंटरवल? हाँ साहब, वो क्या है टीवी के ऊपर पूछता है ना, वो एक आदमी दूसरा जवाब देता है। अबे इंटरव्यू? हाँ हाँ साहब वही है। वो क्या है उसमें हम बोलेगा कि हम आपका घर के अंदर वॉचमैन गिरी करता था, उसमें आपका भी नाम हो जाएगा साहब। अच्छा अच्छा, तू ये बता, तू पर्डे पे काम कर गए या कॉन्ट्रैक्ट पे? साहब क्या है कि छोटा मोटा एक्टर होता है ना, वो पर्डे पे काम करता है। अच्छा, हम तो हीरो है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा। चलो ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, जब तू नौकरी छोड़ के जाएगा तो सब पैसा एक साथ ही ले लेना। वो तो बात का बात है साहब। लेकिन क्या है कि अभी हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा तो एक शाइनिंग अमाउंट होना और हर महीने के अंदर एक इंस्टॉलमेंट होना। शट अप, अपनी औकात मत बोल, जाओ ड्यूटी पर जाओ। ठीक है साहब। ये क्या है? डंडा डंडा। वो तो अपन को भी मालूम है, हटाइए डंडा नहीं तो इधर हम तुमको कर देगा ठंडा। देखो मैम साहब, जब तक हमारा साहब नहीं बोलता है ने, ये डंडा इधर से नहीं हटेगा और आप अंदर भी नहीं जा सकता है। अरे क्या बात करता है मैन, अपन तो यहाँ रोज आता है, प्रशांत का नेबर है अपन। वो होगा लेकिन जब हमारा और आपका पहचान नहीं होता है ने, जब तक आपको हम अंदर नहीं छोड़ेगा। आप पहचान हो जाएगा उसके बाद में अंदर भी जाने देगा, बाहर भी आने देगा। क्या बोला तुम? क्या बोला? यू कॉकरोच। अरे डॉली मैम साहब, क्या हुआ? राम सिंह, तुम्हारे साहब ने किस लंगूर को वॉचमैन रख लिया है, वो अपन को अंदर ही नहीं जाने देता। लंगूर? आपने ठीक कहा, ये लंगूर अंदर जान दे। अरे चल, जब तक साहब नहीं बोलता है ना, इसको अंदर नहीं छोड़ेगा। अरे हमारे बाजू वाली है, जान दे। अरे बाजू वाली है कि सामने वाली है, साहब का परमिशन के बगैर किसी के भी अंदर नहीं छोड़ेगा। मैं बोलता हूँ ना बोलने वाला, तू खुद नौकर है, तुम काम को पगार देता है और तुम्हारे ड्यूटी अंदर है, घर के अंदर जाओ, तुम अपने ड्यूटी करो, जाओ। हम तो समझते हैं, हमारे ड्यूटी इधर है, हम अपना ड्यूटी करते हैं, तुम जाओ। अरे रंगीला ये क्या कर रहा है? साहब ये मैम साहब आपका परमिशन के बगैर अंदर घुस रहा है। देखो रंगीला, तुम्हें यहाँ रखा है वो चोर डाकुओं पर नजर रखने के लिए। अरे ये तो अपना पड़ोसन है। अरे पड़ोसन है, उसमें क्या हो गया? आजकल चोर किस भेष में आता है किसको मालूम पड़ता है? Shut up! तू हमको चोर बोला? तू चोर, तेरी माँ चोर, तेरा बाप चोर, तेरा अक्का खानदान चोर। यू सन ऑफ अ चोर, हम तेरे को छोड़ेगा नहीं, देख तू अभी। तू देखो मैम साहब, जबान सवाल के बात करने का, नहीं तो क्या करेगा? बताऊँ क्या करेगा? बता बताओ। अरे बता ना। अरे जाने तो मैम साहब, हम औरतों के मुंह नहीं लगता है। समझ ले अपन आदमी है, बोल तू अभी बोल। अरे डॉली जाने दो ना, ये तो अपनी ड्यूटी कर रहा है। समझा दे उसे, उसका ड्यूटी डंडा पकड़ के गेट पे खड़ा रहने का है, वो इच करे। अपन का खोपड़ी फिर गया ना तो उसको फिरा डालेगा। देखो डॉली, तुम्हारा गुस्सा बहुत खराब है, अगर तुमको कुछ हो गया तो बेचारे मंदो की किस्मत खुल जाएगी। यस यू आर राइट। व्हाट? हाँ डॉली, ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। हाँ, एक थर्ड ग्रेड वॉचमैन ने एक फर्स्ट ग्रेड लड़की का इंसल्ट कर दिया। लड़की? हाँ, अपन अभी भी लड़की छे। मालूम है अपन का मन्नू क्या बोलता है? डॉली, स्टिल यू आर लुकिंग स्वीट 19। अच्छा अच्छा अच्छा, इसीलिए उस वॉचमैन ने तुम्हें छेड़ा होगा। हाँ, अपन उसको छोड़ने वाला नहीं है। या? बिल्कुल छोड़ने वाला नहीं है, नेपाल वापस भगा देगा। हाँ, मालूम है, आज उसने हमको छेड़ा, कल वो तुमको भी छेड़ सकता है। उसको इधर से भंगारा मांगता। हाँ डॉली, तू सच कह रही है, कोई ना कोई फैसला तो करना ही पड़ेगा। हाँ, वरना राम सिंह यहाँ से भाग जाएगा। क्या? हाँ,
और राम सिंह यहाँ से गया तो घर का सारा काम तो मुझे ही करना पड़ेगा। समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। और प्रशांत के दिमाग में ये बात घुस गई है कि वॉचमैन घर में रखने से घर में चोर नहीं आता है। अरे कैसे नहीं आता है चोर, वॉचमैन के होते हुए भी चोर चोरी करके भाग जाता है मैन। अरे लेकिन ये बात प्रशांत को कौन समझाए? अभी हम जाता है और उसको समझाता है। कोई फायदा नहीं होने वाला। क्यों? मैं और राम सिंह उसे समझा समझा कर हार गए है। हमसे ज्यादा तो वो राम सिंह परेशान है, न जाने बेचारा क्या करेगा। राम सिंह ये क्या कर रहे हो तुम? सुसाइड, पता है जिस घर का दुखी और ईमानदार नौकर सुसाइड करता है उस घर में क्या होता है? क्या होता है? मर्डर, चोरी, डकैती। छी राम सिंह क्या कर रहे हो? हम लोगों के सामने शराब पी रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? मर्डर जी, मैं शराब नहीं पी रहा हूँ, ये तो पेट्रोल है। मैं पेट्रोल पी के आग में कूद जाऊंगा। इसमें तुमको बहुत तकलीफ होगा मैं। मरने के बाद कोई तकलीफ नहीं होती बसंती। बसंती? ए मोटू, हम तुमको बसंती लगता है क्या? मरने के बाद दिखाई भी नहीं देता। नहीं ऐसा मत करो राम सिंह, इस तरह तुम हिम्मत हार जाओगे तो मेरा क्या होगा? जब दुनिया को मेरी फिक्र नहीं तो मैं दुनिया की फिक्र क्यों करूं? राम सिंह मैं भी तेरे साथ आती हूँ। राम सिंह अपुन भी तेरे साथ है। अरे वाह, मौसी भी तैयार है, बसंती भी तैयार है, मरना कैसे? मैं आ रहा हूँ मोटे जी, मैं आ रहा हूँ, एक मिनट। ए ऊपर वाले कभी कभी नीचे भी देख, अब कितने दिन से तेरे को मशका मारता है, हैं? क्या हमको एक हीरो के हिसाब से पिक्चर दिला दे, हम सब हीरो का शूटिंग कर देगा। अरे तेरे खजाने में किस बात की कमी है, है? एक अवतारी पुरुष को भेज दे जो हमको वॉचमैन गिरी से हीरो बना दे। अलग निरंजन, तेरी सब मुराद पूरी होगी बच्चा। क्या बोले साहब, अब इतना बड़ा आदमी है आप हमको बच्चा बोलते हैं? बच्चा, जूता कितना भी बड़ा हो लेकिन रहता पाँव में। क्या मतलब? मतलब तुम हमारे लिए एक मामूली इंसान हो बच्चा। वो बात बराबर है लेकिन आप कौन है? राजेश खन्ना। राजेश होना क्या मतलब? अवतार, अवतार। बाबा आप एकदम फिल्मी बाबा है। बिल्कुल ठीक पहचाना बच्चा, हम आदमी का हाथ देखकर उसकी किस्मत बताते हैं और अगर किस्मत सड़ी गली हो तो इसका इलाज भी करते हैं। किस्मत का इलाज? जब साइंस इतनी तरक्की कर सकती है तो हम नौकर इतनी तरक्की क्यों नहीं कर सकते? नौकर? मेरा मतलब है ऊपर वाले के तो हम नौकर ही है ना। हमारा किस्मत का कुछ करो ना। किस्मत का? ठीक है। ये क्या करता है बच्चा? तुम्हारे किस्मत की रेखा देख रहा हूँ। हाँ, फिर देखो, देखो। है? तुम्हारे हाथ में तो कोई रेखा ही नहीं है। कोई बात नहीं, रेखा नहीं तो दूसरा हीरोइन चलेगा हमको। गधे, हम फिल्म स्टार रेखा की बात नहीं कर रहे, फिर? तुम्हारे हाथ में किस्मत की रेखा की बात कर रहा है। तो हमारे क्या होगा बाबा, हमारे क्या होगा? घबराने की कोई बात नहीं, जिसके हाथ में रेखा नहीं होती है? उसके पीठ में रेखा होती है। पीठ में रेखा होती है? हाँ, हाँ, शर्ट उतारो। तुम्हारे तो पीठ पे भी रेखा नहीं। पीठ में रेखा नहीं है? हो सकता है तुम्हारे पाँव में रेखा हो। पाँव में रेखा? ये कैसी रेखा? ये फिल्म की रेखा है, कहाँ भी हो सकती है। बच्चा, अगर तुम्हारे हाथ में रेखा है तो तुम एक्शन हीरो बनोगे, अक्षय कुमार। हाँ, और अगर तुम्हारे पीठ पे रेखा है तो तुम बॉडी वाले हीरो बनोगे, सुनील शेट्टी। शेट्टी, हाँ, हाँ। और अगर तुम्हारे पाँव में रेखा है
तो तुम डांसर हीरो बनोगे। मतलब गोविंदा? बाबा बाबा हमारे पाँव में देखो, शायद हमारे नसीब में गोविंदा बनना ही लिखा है। देख तेरे के, तेरे तो पाँव में भी रेखा नहीं है। तो हमारे क्या होगा बाबा? देखो हमको तो शाहरुख खान जैसा बनना है। शाहरुख खान बनने के लिए किधर रेखा होना चाहिए? पेशानी पर। पेशानी पर? ये देखो पेशानी, देखो हमारा। अरे रे 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 रे। क्या? इस पे तो एक ही बात लिखी। क्या? वॉचमैन। तो आखा जिंदगी डोंडा पकड़ के वॉचमैन गिरी नहीं करने का है बाबा। मेरी किस्मत का कुछ इलाज करो, इलाज करो। इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं बच्चा। ले। क्या देता है बाबा? पीने ये शरबत है कलाकार। इसे पीकर तू बन जाएगा महान कलाकार। पी जाता है बाबा, पी जाता है। शाबाश। अब को कलाकार बनना है। अरे वाह, बन गया कलाकार। वाह वाह। गया। अरे वाह, मैंने बोला था ना इसे पिलाऊंगा। शाय शाय, मलाई मार के पिला दी मैंने। शाय। प्रश्न प्रश्न, उठो, गजब हो गया। क्या हुआ? प्रश्न, अलमारी खुली है, सारे गहने भी गायब हो गए। देखा ना, वॉचमैन रख के कुछ फायदा नहीं हुआ। क्या बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो? क्या उठो, अरे देख क्या रहे हो? उठो ना। अरे हां जल्दी, अरे हां जल्दी, देखो देखो ये। अरे रंगना, 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 रंगना। अरे साथी क्या हुआ, कुछ चाहिए? हां रंगना कहां है? हीरोस में है। क्या पिक्चर है साथी, इसका गाना सुना? आइए आइए ऐसी धूम मचाइए। अभी ये भी उठा ले साथी। अबे रंगीला कहाँ है? अपना वॉचमैन? वो इंस्ट्रूमेंट का लगन साथी, वो कल रात से ना दारू पी के सो रहा है। अच्छा? हाँ। क्या? हाँ रंगीला। ए रंगीला, ए मरने के बाद तो सुनी ना। अबे उठ उठ उठ। हम किधर है? तू नर्क में? आप लोग इधर भी आ गए? खड़ा हो जा। स्टैंड अप। गेट अप। होता है साहब, घोड़ा होता है। गेट अप। घोड़ा होता है। अरे ये क्या उल्लू बनाया है साहब? हमने ये उल्लू नहीं बनाया है, वो रात को एक बाबा आया था, उसने हमारे ये उल्लू बनाया है। वो बाबा किधर है? कौन सा बाबा? कुछ नहीं साहब जी, रात को दारू पी के सो गया था, इसमें ड्रामा कर रहा है। अरे हमने जिंदगी में कभी दारू को हाथ नहीं लगाया है। हाथ लगाने की बात नहीं कर रहा, पीने की बात कर रहा हूँ। वो ठीक है। ये क्या रखवाली करेगा अपने घर की? इतने दिन से मैं था तो कुछ चोरी नहीं हुई, इसके आते ही चोरी हो गई ना। लेकिन एक बात बता, ये नशे में था तो तू क्या कर रहा था? साहब जी मेरा काम है घर की साफ सफाई करना। बिल्कुल। रखवाली के लिए आपने इसको रखा है, रख कर दिया ना सब सब। अच्छा अच्छा, तू बहुत बात कर रहा है, तू अंदर चल, मैं इसको देखता हूँ। चलो अंदर। यानी क्या? आउट आउट आउट। चलो चलो तुम्हें। लेकिन मैं देखता हूँ उसको। चलो अंदर। साहब जी आपका ये बेल्ट उठाइए, उठाइए सब सब उठाइए, सामान उठाइए उठाइए। हाँ जी हाँ, ये ले लीजिए। और आप निकल जाइए। आउट। आप मेरे को नौकरी से निकाल रहे हैं? आउट साहब। एक शिशी ले लो। शिशी? शिट्टी कहाँ से तू अभी? अरे शिट्टी नहीं, शिट्टी हमारा साल सलन के लिए। तू जा यार। आउट आउट। आप चिट्ठी लिख के नहीं जाने तो मनीषा कोर्याले हमको रख लेगा। मनीषा तू जा यार, चल दिमाग मत खा, चल अबे। आउट। मालूम है आप मेरे को बहुत जलते हैं। अरे क्या चाल है। जब तक राम सिंह रखवाली कर रहा था तब तक कुछ नहीं हुआ, वॉचमैन रखने के बाद चोरी हो गई। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। चले थे वॉचमैन रखने और बर्बाद कर दिया मुझे। मुझे मेरे गहने चाहिए। अरे तुम्हारे गहने तो चोर लेके गया, मैं कहां से दूं? एक ही बात है साहब जी। शट अप। देखो वो मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरे गहने चाहिए मतलब चाहिए, वरना मैं मायके चले जाऊंगी और तुम कर लेना दूसरी शादी। अरे रुक्मिणी ऐसा मत करो, अरे एक शादी करके मैं तंग आ चुका हूँ। क्या? ये 200% सही है। आउट। क्या? आउट आउट। चल निकल जा। निकल। ए तू नौकर है, निकल जा। आउट। देखो ये छुपा छुपी खेलने का टाइम नहीं है, है? अच्छा तू रो रही है, तू रो रही है क्यों?
मुझे मुझे मेरे क्या कहने चाहिए। तू रो मत रो मत, तू कल ही जाके मेरी बर्बादी का ऑर्डर दे दे। क्या तुम्हारे गहने की ऑर्डर दे दे। कुछ नहीं, कंटिन्यूटी में इतना बड़ा जर्क। तुम रो रही थी या रोने का नाटक कर रही थी? क्या मतलब? अचानक चुप हो गई। मैं चुप हो गई तो क्या, लेकिन मेरा दिल तो रो रहा है और उस वक्त तक रोता रहेगा जब तक मेरे गहने मेरी अलमारी में नहीं आ जाते। अरे अभी तुम गा क्यों रहे हो? मैं गा नहीं रहा हूँ, मैं रो रहा हूँ। लेकिन तुम इस तरह क्यों रो रहे हो? रुक्मिणी, हाँ? तुम्हारे गहने तो तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन लेकिन मेरे 50,000 रुपए मुझे कौन देगा? 50,000? उन गहनों के साथ मैंने मेरे 50,000 रुपए रखे थे। ये झूठ है, अलमारी में रुपए नहीं थे। रुपए थे? नहीं थे, नहीं थे। तुम्हें कैसे पता रुपए नहीं थे? वो चोर गहनों के साथ मेरे रुपए भी लेके गए। देखो, ये झूठा इल्जाम मुझ पर मत लगाओ। गहने छुपाते वक्त वहाँ रुपए नहीं थे। रुपए रखे होंगे तो मिलेंगे ना। मतलब? मतलब ये, ना मेरे रुपए चोरी हुए हैं, ना तुम्हारे गहने, हिसाब बराबर। वैसे भी वॉचमैन को भगाने की प्लानिंग बहुत बढ़िया थी। थैंक यू। लेकिन लेकिन अफसोस, दोबारा गहने बनाने की तुम्हारी प्लानिंग फेल हो गई। सो सैड बेबी। यू प्रश्न।